जी गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? आई होप इंजॉय कर रहे होंगे। जॉर्जिया का ये अपना दूसरा ब्लॉग है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई सेल्फ शायब शोम। ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, ये मेरे को काउ सर्फिंग पे इन्होंने इनवाइट किया था। ये स्पेशल अपना बहुत कीमती समय निकाल के मेरे को मिलने आए हैं। अभी जो खड़े हैं हम, ये जॉर्जिया का बड़ा फेमस रिवर है, व्हाट इज़ द रिवर नेम? रियोनी रिवर। इट्स वेरी फेमस कमिंग फ्रॉम द माउंटेंस। एंड अभी जॉर्जिया जी, अभी शौशा मेरे को एक नए टाउन में लेके जा रहे हो जहाँ से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है। क्या नाम है उस शहर का जहाँ पे हम? स्काल्टुबो। Also this bridge called Red Bridge. हम that one also called White Bridge. हाँ, that was very famous ना? White Bridge is very famous. तो इनके साथ अभी वो दूसरे टाउन में चलते हैं। यहाँ से जाने का खर्चा 2 ला रही है। वैसे तो शाम के 5 बज गए हैं, कहते बहुत खूबसूरत टाउन है, वहाँ पे चल के वो टाउन भी आपको दिखाते हैं। और 2 ला रही है, अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ इंडियन बनते हैं, उस इतना एक्सपेंस है जाने का, इतना ही आने का। चलिए, मैं क्या जो भैया को मैं इंट्रोड्यूस कर दिए, आपको फिर वहाँ लेके चलता हूँ। बेसिकली ये जो विलेज में आए थे भैया, यहाँ पे सिटी बोल रहे हैं इसको, बेसिकली मेरे को विलेज ही लगा। इस विलेज की खासियत पता क्या है कि यहाँ पे सोवियत संघ के टाइम पे यहाँ पे ये 5-स्टार रिसोर्ट बने होते थे। ये किसके लिए यूज़ होते थे? लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते, मतलब टायर्ड हो जाते, आके रेस्ट करते, फ्री, मतलब एवरीथिंग फ्री, फ्रूट फ्री, एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए कि सबके लिए? सबके लिए, पर्टिकुलर गवर्नमेंट। सोवियत संघ के टाइम पे ना, जो आर्मेनियन पीपल या जॉर्जियन पीपल, अजरबैजान, जो भी सोवियत संघ के मतलब के लोग थे, ऐसे रिसोर्ट्स में आके वो फ्री में ट्रैवलिंग के टाइम पे खा सकते थे, रह सकते थे, घूम सकते थे। अभी तो पूरा जंगल बना हुआ, अगर आप उस टाइम का इमेजिन करोगे ना, इतना शानदार ये 5-स्टार रिसोर्ट था। ये मेरे पीछे फाउंटेन बना हुआ है इस रिसोर्ट का। तो ऐसे कम से कम भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 100+ हैं। कितने हैं इस सिटी में? 18 है। 18 और ये हर सिटी में होते थे? हर सिटी में होते थे, मगर इस शहर में 18 हैं जी। आइए, और तकरीबन जी हर शहर में होते थे। अब ऐसी प्रॉपर्टी है कि अंदर कोई इन्वेस्ट करे तो कितना मज़ा आए। ये बना बनाया 5-स्टार रिसोर्ट है, आप देखिए वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, मगर बहुत शानदार बना हुआ है लॉबी, वो कमरे। चलो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको अंदर जाके ले जाता हूँ। बट ऐसी बिल्डिंग्स में मोस्टली आप विज़िट कर सकते हो। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अबैंडन की गई हैं, जिनके अंदर आपका विज़िट करना अलाउ नहीं है ड्यू टू सम रेडिएशन, या जहाँ पे कहीं कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं सोवियत कंट्रीज़ के अंदर, पुरानी कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे अभी भी विज़िट करना अलाउ नहीं है। अब अगर विज़िट करो, बहुत ध्यान से करना है इन चीज़ों के अंदर। ये अंदर आ गए हैं जी, ये पूरा रशियन आर्किटेक्ट है। ये आप ऊपर देखिए, ये यहाँ से होटल की सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं। इस तरफ देखोगे तो ये पूरा आगे लॉबी बनी हुई है, ये पूरे आगे कमरे हैं। ये देखिए इस साइड, ओ सॉरी हम कहाँ रह गए, इस साइड भी मतलब कि ये पूरा आगे लॉबीज बनी हुई है। आइए हम ऊपर चले एक बार, गिर तो नहीं जाएगी बिल्डिंग? कहीं कांड हो जाए, पता लगे बिल्डिंग गिर गई। सोवियत यूनियन के, जब सोवियत यूनियन गिर गई तो बिल्डिंग का क्या है, ऐसा ना हो हमारी कब्रगाह बन जाए ये बिल्डिंग। आखिर एक बड़ा शानदार बना हुआ है जी, बिल्डिंग वाकई बड़ी मजबूत है। कम से कम ये होगी 50 से 60 साल पुरानी, लगभग 200 माय गॉड, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है जी। ये देखिए, अरे यहाँ नहीं हॉल, ये देखिए आगे रूम्स बड़े शानदार बने हुए हैं। ये जो भी अबैंडिंग सिटीज हैं ना, जो अबैंडिंग बिल्डिंग्स है, ये बड़े प्यारे प्यारे रूम बने हुए हैं। मैं इस चीज़ के लिए एक शौक हूँ, ये फ्री देते थे मगर रहने के लिए, कमाल की बात है। खाना पीना रहना सब फ्री था यहाँ पे। वो कैसे इस चीज़ को सरवाइव करते होंगे? ये देखिए, ये अंदर रूम बने हुए थे ऐसे ही। ये आगे आपको लेके चलता हूँ। अच्छा हाँ, मैं वो देखें। ये आपका किचन एरिया आ गया जी, और ये यहाँ का इन्होंने मेरे ख्याल डाइनिंग एरिया होगा, ये पूरा रेस्टोरेंट होगा, यहाँ पे डाइनिंग एरिया होगा। ये ऐसे टॉयलेट बने हुए थे, टॉयलेट बाथरूम शेयर थे मेरे ख्याल से, यहाँ हर रूम के अंदर अटैच नहीं होगा,
या कैटेगरी दी होगी इन लोगों ने। तकरीबन ये अलग से टॉयलेट बने हुए हैं इस, बेसिकली ये हर सिटी में है बट मेन सिटीज़ में नहीं है। कोई मेन सिटी की सारी बिल्डिंग इन लोगों ने रेनोवेशन कर दी। अब तो जो भी सिटीज़ की, ये सब छोटे छोटे टाउनों में है अभी भी ऐसे ऐसे रिसोर्ट। तो आप इमेजिन करो, मेरे ख्याल से एक फ्लोर के ऊपर ही अप्रॉक्सीमेट 50+ रूम है, तो ऐसे वहाँ पर ऊपर 7 फ्लोर हैं, तो ऊपर से ये ऐसे 18 रिसोर्ट हैं, तो टोटल कितने रिसोर्ट होंगे और कितना पैसा इस पर लगा होगा। और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो रशियन है, सारा रशियन ही बना हुआ है ना। अभी ये इस गांव के अंदर, एक मैं तो गांव ही कहूँगा छोटा सा, इसमें आए थे। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा पार्क है, पार्क का नाम तो पता नहीं। ये समर के अंदर यहाँ पे जब टेम्परेचर 30 डिग्री क्रॉस करता है तो ये लोग यहाँ पे नहाना लग जाते हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं वही बात कर रहा था सुमेश से कि मैं कह लोगों की नज़र ऐसे देख रही है जैसे एक्चुअली क्या, इन लोगों ने कभी सरदार देखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यूरोपियन आते हैं या चाइनीज आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कभी सरदार देखा नहीं, तो सब ऐसे ही देख रहे हैं घूर के, पता नहीं कौन सा एलियन आ गया है। स्पेशली अफ्रीकन देखे तो क्योंकि भैया बता रहे थे ये मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो मेडिकल के भी भैया के साथ कल एक वीडियो बनाएंगे कि मेडिकल स्टूडेंट जॉर्जिया में कैसे पढ़ सकते हैं, कितना खर्चा होता है, कैसे आ सकते हैं, ये भी एक स्कैम के अंदर फंसे थे, उस स्कैम में कैसे बच सकते हो, वो सब चीज़ें कल डिस्कशन करेंगे। ये देखिए ये नीचे फाउंटेन के नीचे नेट लगा हुआ है, नेट के अंदर आप नहा सकते हैं। ये इनको 30 डिग्री में भी गर्मी लगती है और हमें 45 में भी गर्मी नहीं लगती है, बड़ा प्यारा सा पार्क। इसके ऊपर जाती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाता है, एसी चालू हो जाता है घर में। हमारे इधर 32 के बाद एसी चालू होता है। और यहाँ पे और एक खासियत है कि हर घर में किचन में एसी है। Oh my God. किचन में एसी है क्योंकि खाना बनाने के बाद गर्मी लग जाता है, 25 के बाद इनको गर्मी लगता है। चले, आपको एक चीज़ और बहुत यहाँ पे शॉकिंग लगेगी कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, बट वो सारे के सारे मतलब के मेन कोटासी से ज़्यादा महंगे हैं। वो यहाँ पे इतने महंगे रिसोर्ट का क्यों, क्या रीज़न है, इतने होटल महंगे क्यों हैं यहाँ पे? ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग, यहाँ पे जो अबंडेंट प्लेस है वो ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, देखने के लिए आते हैं। उन लोगों का सिटी तो उन लोगों के पास बहुत अच्छा अच्छा सिटी है, उन लोगों का शौकीन है कहाँ पे झोपड़पट्टी है, कहाँ पे कुछ अबंडन प्लेस है, और उनको अबंडन देखने का बड़ा है। हाँ। बाद चीजें नहीं देखनी, जो देखनी है बर्बादी देखनी है, बर्बादी देखनी है। बस वो वाला देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे होटल है और यहाँ बहुत कॉस्टली भी है, यहाँ पे बहुत कॉस्टली, वो मैंने देखा नेट पे। कालतुबा का मार्केट है जी, बड़ा छोटा सा टाउन है बट टाउन में सब कुछ है, अच्छा कैफे है, अच्छे बार है, अच्छे होटल्स हैं, फार्मेसी है, सब कुछ है, इवन मनी चेंजर भी बहुत सारे हैं। इट मीन मनी चेंजर मोस्टली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आता हो। तो छोटी सी मार्केट है बट बड़ी खूबसूरत है, और कोटासी से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है, टोटल 2 लीरा लगते हैं, अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ लगते हैं जाने के, 2 जेल। हाँ, लीरा तो एक्चुअली वहाँ की करेंसी है ना, टर्की की, तो 2 जेल लगते हैं, 2 जेल आने के, 2 जेल जाने के। अच्छा, जॉर्जियन में लारी बोलते हैं, वैसे वर्ल्ड वाइड जेल बोलते हैं, जेल बोलते हैं। अच्छा, चलिए जी, ये है, तो आपको एक राउंड दे के फिर यहाँ से वापस चलेंगे। आज भैया के साथ एक चीज़ फ़ायदा है कि हमारा प्लान बना है आज जॉर्जियन फूड खाने का, तो भैया साथ में होंगे तो इनको थोड़ी सी जॉर्जियन आती है, ज़्यादा तो इनको भी नहीं आती, तो आज जॉर्जियन फूड ट्राई करेंगे। आपको एक राउंड दिखाता हूँ इसका, ये है जी, ये समझिए छोटा सा टाउन है। लो जी, इस छोटे से टाउन में भी रेड लाइट है और यहाँ से आप घूम सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, छोटा सा गांव, छोटा सा गांव है ना। चलिए, आपको चले शहर लेके वापस। अब बस नंबर कौन सा था जिसमें हम आए थे? बस नंबर 44 है और नॉर्मली लिखा रहते हैं, वो जॉर्जियन में लिखा होता ना, वो कौन पढ़ेगा? एक्चुअली 44 नंबर है, कुतकोतेसी से 44 नंबर, कुतासी से छोटा वाला बस 44, छोटे वाला बस मिलेगा, बस नंबर 44 जो मिनी बस होगा। तो
तो वो ध्यान रखना, वैसे तो लिखा होता है जॉर्जियन में, वो समझ आए ना। बस होते हैं मतलब जो बड़ी बस होते हैं वो नहीं है, वो छोटी बस दूसरे सिटी में जाते हैं, जो छोटे वाले मिनी बस है वही आता है, जिसको माशुक्ता बोलते हैं ना। माशुक्ता जी भैया के साथ ना आज, क्योंकि भैया को जॉर्जियन आती है तो जॉर्जियन फूड ट्राई करने आए थे। यहाँ पे भी कैलिफोर है, तो मैंने कैलिफोर में बहुत शॉपिंग की है। चाइना में जितना भी कैलिफोर में घर सामान लेके जाना, सारा कैलिफोर में लेके जाता था। तो अभी आए थे, एक तो ये लिए, ये क्या है, ये एक तरीके की पेस्ट पैटीज है, हमारे इंडिया में पैटीज कह रहे थे, ये स्टफ पैटीज है, इसके अंदर वो मीट, ये मीट वाली है। हाँ सर, चिकन चिकन। ये दूसरा निकालो, ये क्या लिए, ये है लोबियाने। ये आ गई जी आपकी ब्रेड लोबियाने, इसके अंदर लोबी राजमा जैसे ही। हाँ राजमा ही है, राजमा ही है उसको मतलब के स्टफ करके ये बीच में भर देते हैं। बेसिकली जॉर्जियन फूड सारा ड्राई है, इनमें जैसे अपने इंडिया में करीज आती हैं, यहाँ पे करीज नहीं आती, यहाँ पे सारा ड्राई आता है। तो बस अभी डिनर कर लें, फिर भैया के साथ बाहर निकलते हैं, तो आप लोगों के साथ बाकी सारी बात करते हैं। ये भैया के साथ डिनर के बाद ना, ये एक पता नहीं क्या दिलवाया है, इमली के जैसा होता है। ये किसका बना है? इसके ग्रेप जूस, नट्स और मैदा मिला के बना हुआ है। अच्छा, इसका नाम है चुस्केला, तो ये वैसे भी चुस्केला ही लग रहा है। तो ये खाएंगे और भैया के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। और हम खा लें पहले चुस्केला, फिर बस लेके यहाँ से निकलूँगा, भैया अपने घर, हम अपने घर। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।